गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम जियोग्राफी में सेकेंड चैप्टर लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। देखिए, नेचुरल वेजिट लैंड मीन्स क्या होती है? धरातल, सॉइल मिट्टी, वाटर जल, नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पतियाँ, एंड वाइल्ड लाइफ और वनीय जीव संसाधन, यानी जो जंगल में संसाधन पाए जाते हैं। इन ए स्मॉल विलेज इन तंजानिया अफ्रीका, ठीक है, यानी कि अफ्रीका के तंजानिया गांव में, ठीक है, इन स्मॉल विलेज इन तंजानिया अफ्रीका मांबा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग फेज टू वाटर। मांबा क्या करती है? जल्दी से उठती है ना। मांबा किसी गर्ल्स का नाम है, ठीक है, मांबा एक गर्ल्स का नाम है। वह जल्दी से यानी कि मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठ जाती है। शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे, क्योंकि उसे दूर ना, उसे घर से कुछ दूर तक जाना पड़ता है फ्यू आवर वाटर के लिए। रिटर्न आफ्टर फ्यू आवर, उसको आने में घंटों लग जाते हैं। सी देन हेल्प्स, उसके बाद वह क्या करती है? हर मदर इन द हाउस, अपनी माँ की सहायता करती है, एंड जॉइंस हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गोट्स, और उनके पास जो बकरियाँ हैं उनकी देखभाल करने के लिए वह अपने भाइयों की हेल्प करती है। ऑल हर फैमिली, उसके परिवार के सभी सदस्य, पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट, यानी कि पहाड़ियों के किनारे एक छोटी झोपड़ी है, उसी में रहते हैं। मांबास फादर कैन बारले ग्रो सम मेज एंड बीन्स ऑन इट आफ्टर टॉयलिंग हार्ड, यानी कि मांबा के जो पिता हैं वो टॉयलिंग हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम करने के बाद बारले और मेज यानी कि जौ और मक्का ही उगा सकते हैं। दिस इज नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर, यानी कि यह बहुत आसानी से यानी कि यह उतना पर्याप्त नहीं होता था जिससे कि एक साल पूरा खर्च, मतलब कि परिवार की जो फैसिलिटीज है, परिवार की जो सुविधाएं हैं, वो एक साल तक चल सकें। पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द सी ब्रीडिंग रीजन इन न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। देखिए, पीटर क्या करता है? पीटर भी उसी मतलब पहाड़ी के किनारे, ठीक है, रेयरिंग रीजन यानी कि पीटर न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का जो पीटर है वो अभी उसी पहाड़ी पे रहता है। हिज फैमिली रन्स यानी कि उसका जो परिवार क्या करता है? वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री, यानी उसका परिवार उसके फैक्ट्री में, यानी कि जो पीटर है उसके पास वूल की एक फैक्ट्री है, उसी फैक्ट्री में ये मांबा की जो फैमिली से वर्क करती है। एवरी डे, प्रत्येक दिन, व्हेन जब ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल, जब वह स्कूल से वापस लौटती है, पीटर वॉचेज, पीटर देखता है हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शिप, कि वहाँ पे भेड़ों की देखभाल की जाती है। देयर शिप यार्ड इज सिचुएटेड अ वाइड ग्रासी प्लेन विथ हिल्स, यानी कि उन पहाड़ी के मैदानों पर ना, यानी उन मैदानी पहाड़ियों पे भेड़ों का क्या है? एक बाड़ा है, यानी कि बाड़ा मतलब कि जहाँ पे ढेर सारी भेड़ें हो जाएं उसे हम बाड़ा कहते हैं। इट इज़ मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी कि वो सब एक नई तकनीक पे यानी कि नई वैज्ञानिक तरीके से वो सब प्रबंध होता है। पीटर्स फैमिली, पीटर का परिवार आल्सो ग्रोज वेजिटेबल थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी पीटर का जो परिवार है वह ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां भी उगाता है। ऑर्गेनिक तरीके में जैविक खाद ना, जैसे हम लोग जो उगाते हैं तो हम लोग के क्या होता है? केमिकल होता है, ठीक है, केमिकल के लिए उगाते हैं, लेकिन पीटर फैमिली की क्या होती थी? ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग खेती होती थी, यानी जैविक खेती की जाती थी। मांबा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ्स, यानी कि मांबा और पीटर के रहने में जो था वो बहुत ही भिन्नता थी। दिस डिफरेंस इज बिकॉज डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, ये भिन्नता कैसे थी? यानी कि ये डिफरेंस किस पर डिपेंड था? क्वालिटी ऑफ लैंड, मिट्टी का धरातल का जो था उसकी विशेषता थी। सॉयल मिट्टी, वाटर पानी, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी, और कार्य करने की जो तकनीक थी इस पर डिपेंड थी। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्स इज द मेन रीजन प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, यानी कि जो रिसोर्सेस हैं, ठीक है, यानी कि जो रिसोर्सेस हैं इसकी अवेलेबिलिटी क्या होती है कि मेन रीजन इसका एक जो कारण है, प्लेस डिफर यानी कि दोनों का स्थान क्या होता है? एक दूसरे से अलग होता है। देखिए, हमारे पास कुछ मेन रिसोर्सेज हैं, जैसे लैंड, लैंड इज एमॉन्ग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, यानी कि लैंड क्या है?
कि एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ना, यानी कि यह क्या करता है, सिर्फ 30% कवर करता है। 70% आपका, 70% क्या हो जाता है, 70% आपका वाटर हो गया, ठीक है, तो बचा 30%, तो 30% में हमारा लैंड कवर करता है, उस 30% में भी बहुत सारे वाटर डिपेंड करते हैं। देखिए, रिसोर्सेज इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। यानी कि अर्थ सरफेस का जो 30% पार्ट है, सॉरी, पूरे पृथ्वी के जो 30% पार्ट है वो हमारा लैंड है, एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। यानी कि इस छोटे भी पार्ट में भी हमारा पूरा पार्ट लैंड नहीं है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेराइड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। देखिए, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन यानी इनका जो जनसंख्या का जो वितरण है पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, विश्व के भागों में, इज मेनली ड्यू टू वेराइड कैटेगरीज लैंड एंड क्लाइमेट। यानी कि लैंड और क्लाइमेट के आधार पर हमारी जो पॉपुलेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। द रेज्ड टोपोग्राफी, स्टेप स्लोप्स ऑन द माउंटेन्स, लो लाइंग एरिया सस्टेबल टू वाटर। यानी कि द रस्ट टोपोग्राफी, क्षोभ मंडल जो है, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, यानी कि जो पहाड़ी से जो स्लोप वाले एरियाज होते हैं वो, उसको हम स्लोप माउंटेन्स कहते हैं। इसके बाद देखिए, डिजर्ट एरिया हो गई ना, यानी कि रेगिस्तानी एरियाज हो गई, थीक फॉरेस्ट जंगली एरियाज हो गई, एरियाज आर नॉर्मली स्पेस पॉपुलेटेड और अनहैबिटेड। प्लेन्स, मैदानी भाग एंड रिवर वैलीज और नदी घाटियाँ ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। यानी कि मैदानी भाग और मैदानी भागों में नदियों की जो नदियों वाले जो एरियाज होते हैं वो एग्रीकल्चर की दृष्टि से बहुत ही अच्छे होते हैं, यानी वहाँ पे पानी की भी सुविधा हो जाती है और लैंड की भी सुविधा हो जाती है। हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रकार ये क्या है, विश्व के सबसे हैंस, इस प्रकार दीज आर द डेंसली, घनी पॉपुलेटेड जनसंख्या वाले क्षेत्र कहे जाते हैं। यानी कि जहाँ पर मैदानी क्षेत्र होते हैं, जहाँ पानी होती है, वो हमारे विश्व की घनी आबादी वाले क्षेत्र कहे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।